नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि सियासी मंजरनामा हर गुजरते दिन के साथ तब्दील होता जा रहा है। बैरिस्टर साहब, हुकूमत बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये इशारा दे रही है कि आईनी तरमीम अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही पार्लियामेंट में पेश होंगी और इसके लिए वो मखसूस नशस्तों पर इनसार किया जा रहा है। आपको क्या लगता है सर, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशस्तों के हवाले से दिए गए जो फैसला है इस पर अमल दरामद का कोई इम्कान नहीं है, या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अमल करवाएगी? एक फैसला आया 12 जुलाई को, उसकी वजाहत के लिए 25 जुलाई को एक दरखास्त फाइल हुई जिसकी वजाहत फिर सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। 14 सितंबर को डिटेल फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का मेजोरिटी का आ गया। तो मैम, आपको गुंजाइश रहती नहीं थी कि इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद न करे। इलेक्शन कमीशन पर फर्ज है कि जो कुछ 8 मोहतरम जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा है उस पर अमल दरामद मनोन किया जाए। जब तक वो मखसूस नशस्तों का फैसला नहीं आ जाता तब तक तो मौलाना हुकूमत की मजबूरी है, और सुनने में आया है बल्कि जो मुजाकरात अब तक हुए हैं उनमें हमें जो सूरत हाल नजर आती है कि मौलाना फजल रहमान को हुकूमत कुछ कायल कर गई है।